हेलो दोस्तों, तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि ये न्यूज़ बड़ी ही कॉमन है जो आपको आजकल देखने को मिल रही होगी कि ट्रंप नॉट कंसीडिंग डिफीट, व्हाट्स नेक्स्ट। तो बेसिकली ट्रंप इलेक्शंस हार गए हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि अभी यूएस में इलेक्शंस ओवर हुए और ही इज़ नॉट अग्रींग टू लीव हिज थ्रोन, ठीक है। तो बेसिकली वो कंसीड नहीं करना चाह रहे हैं और अपनी हार नहीं मानना चाह रहे हैं। तो इसी में हम देखेंगे कि भाई ये टोटली टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, प्लस बहुत ड्रामेटिक होता जा रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि भाई ये टॉपिक में मतलब अगर ट्रंप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास स्टडी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि जैसा कि हमें पता है कि अभी इलेक्शंस पूरे हुए, ठीक है, और उसके रिजल्ट भी हो गए। तो 270 चाहिए थे, ठीक है। दो पार्टियां थी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी एक रिपब्लिक पार्टी। तो 270 हम इनको स्कोर करना था, जिसमें इन्होंने 290 स्कोर करके डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडन जीत गए इलेक्शन, ठीक है, काउंटिंग पूरी होने के बाद। लेकिन अब यहां से असली ड्रामा स्टार्ट होता है, ठीक। इलेक्शंस पूरे हो गए, काउंटिंग पूरी हो गई। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ट्रंप ने बेसिकली मना कर दिया कि मैं कंसीड नहीं कर रहा हूँ भैया, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि जो मेरे राइवल हैं जो बाइडन, उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है, कुछ इधर उधर वोट जो है उसमें कुछ फ्रॉड किया है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने लीगल चैलेंजेस में फंसा दिया है जो कि वहाँ के स्विंग स्टेट्स थे वहाँ पर। तो बेसिकली देखिए स्विंग स्टेट मतलब क्या होता है, वहाँ पे आपने टर्म बड़ा सुना होगा स्विंग स्टेट, ठीक। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे मतलब वहाँ आप पक्का नहीं कर सकते हो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा है कि रिपब्लिक का है, ठीक है। तो वो हमेशा स्विंग होते रहते हैं, तो कभी वो डेमोक्रेटिक को मेजोरिटी दे देते हैं, कभी वो रिपब्लिक को मेजोरिटी दे देते हैं। तो ठीक है, ऐसे वो स्विंग होते रहते हैं, इसलिए उनको स्विंग स्टेट्स कहते हैं। तो देखिए अब बात ये आती है कि अगर भाई इन्होंने तो मना कर दिया कि मैं कंसीड नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ इसमें गड़बड़ी लग रही है, तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली ट्रंप चले गए लीगल मैटर में, ठीक है। तो उन्होंने ट्रंप अभी कोशिश क्या कर रहे हैं कि भाई एक लीगल प्रेशर बनाया जाए जिसके तहत उन्होंने लॉ सूट फाइल किए हैं। एक तो पेंसिल्वेनिया में किया है, मिशिगन में किया है, ठीक है, मिशिगन में किया है, पेंसिल्वेनिया में किया है, एरिजोना में किया है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कोर्ट को कह रहे हैं कि भाई जितने भी ये जो वोटिंग हुई है उसको आप सर्टिफाई मत करो, ठीक है, सब फर्जी वोटिंग हुई है और सब फ्रॉड है कहीं ना कहीं। तो अगर देखिए बात इसमें यह है कि अगर एक जब तक ये लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो सही है। अगर यहाँ से कुछ निकल के आता है कि हाँ भाई फ्रॉड हुआ है तो बात अलग है। इनकेस अगर यहाँ से कुछ नहीं निकल के आया कि नहीं जो हुआ था सब सही हुआ था, तो उसके बाद कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं रहेगा जिसके तहत ट्रंप ये मना कर सके कि मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, ठीक। तो अब लीगल ग्राउंड नहीं है कोई, तो ट्रंप फिर भी सपोज अड़ गया, क्योंकि हम तो ट्रंप को जानते हैं, ट्रंप तो ट्रंप है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ रहा। तो उस केस में क्या होगा, देखिए कि अगर प्रेसिडेंट रिफ्यूज़ करता है ऑफिस अपना लीव करने के लिए, तो वहाँ की सीक्रेट सर्विस और FBI विल बी ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो FBI और सीक्रेट सर्विस एक्ट में आ जाएंगे और ये कंट्रोल कर लेंगे व्हाइट हाउस को, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा मेन क्रक्स कि अगर इन्होंने कंसीड करने से मना कर दिया तो FBI और सीक्रेट सर्विस कंट्रोल में आ जाएंगे जो कि व्हाइट हाउस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जब तक ये पूरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है। तो देखिए अपने आप में ये कहीं ना कहीं बहुत ही हिस्टोरिक भी है, प्लस बहुत ड्रामेटिक और बहुत ही एक मतलब पहली बार ऐसा US की हिस्ट्री में भी हुआ है कि आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। सब ने अपनी पीसफुली ट्रांसफ़र इधर पावर को ट्रांसफ़र किया था, ठीक। ट्रंप जो थे ये ट्रंप हैं 45th प्रेसिडेंट हैं, ठीक। उनसे पहले 44 प्रेसिडेंट थे जो आज तक जिनमें कभी ये सब नहीं हुआ, इतना ड्रामा कभी नहीं हुआ, ठीक। उनमें से 35 ने या तो खुद ही टर्म उनका एंड हो गया या हार गए या उन्होंने खुद मना कर दिया कि भाई अब हमें आगे नहीं लड़ना है, ठीक। तो ट्रंप एक मतलब अपने आप में तो हिस्टोरिक थे ही, तो उन्होंने एक और हिस्ट्री क्रिएट करते हुए इतना ड्रामा क्रिएट किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये कहीं इतनी बड़ी पुरानी डेमोक्रेसी को प्लस इतने रेपुटेशन को US को बहुत ठेस पहुँचाते हैं कि अगर उनका प्रेसिडेंट इतना ड्रामा कर रहा है, प्लस स्टेटमैनशिप ये शो करता है कि ट्रंप कैसे लीडर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके पूरे एक पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ शो कर देता है। तो ये सब ड्रामा अवॉइड कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो हम पीपल डिसाइड करेंगे, डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो अगर पीपल ने डिसाइड किया है तो हमें वो मानना पड़ेगा। प्लस जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि EVM हैक है, ठीक, ऐसा ही कुछ वहाँ भी चल रहा है कि फ्रॉड है। तो अब देखिए खैर इसका कोई खास लीगल ग्राउंड है भी नहीं, तो अल्टीमेटली देखिए क्या होता है कि ट्रंप को कंसीड करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो बाइडन ही अब US के नए प्रेसिडेंट हैं, ठीक, 46th।
46 प्रेसिडेंट है। ठीक है गाइस, तो एक छोटी सी न्यूज़ थी ये आपको देनी थी कि अगर ट्रंप नहीं कंसीड करते हैं तो क्या होगा। काफ़ी ड्रामेटिक थी, बहुत इंपॉर्टेंट भी लगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेके क्यूरियस थे लोग कि अगर नहीं छोड़ते हैं तो भाई क्या होगा। ठीक है इस, ठीक है इस, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा आपको। ठीक।